Now next C program based on string operation. Again इसके इसमें total 3 examples part की इसके इसमें example discuss करेंगे one by one. सबसे पहले discuss करेंगे first example. In that case इसके इसमें totally 3 array declaration part की in the form of character array और we can say strings S1, S2, S3. S1 के रिस्पेक्ट में स्टे इंप्लिसिटली मैन्युअली मैंने साइज सप्लाई किया 5 तो S1 का साइज फिक्स है 5 तो लेकिन S1 के केस में स्टे एलिमेंट्स कितने इनिशियलाइज हुए 4 तो लास्ट एलिमेंट में डिफॉल्ट इंप्लिसिट वैल्यू का इंसर्ट हो जाएगा 0 व्हिच इज आस्की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर मींस कैरेक्टर एरे के रिस्पेक्ट में 0 को कंसीडर करेंगे एज अ नल फाइनली फर्स्ट स्ट्रिंग टर्मिनेट किस और नल से लेकिन ये एरे कैसा है array of characters के इसमें initialization किसके हम रहे character by character second case में again array of character create किया लेकिन इस case में size supply नहीं किया है अगर आप array का size supply नहीं किया तो इस case में अगर elements को single quotes के through one by one character by character initialize किया तो इस case में कोई भी extra null implicit नहीं हुआ लेकिन third case में check करो third case में again same case है same है S2 S3 के case में कोई size quote नहीं किया लेकिन इस case में initialization किसके through रहा using डबल कोट्स से जस्ट रेफर किया हुआ है जा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे वो इंप्लिसिटली नस अगर आपने पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में एरे का साइज पॉइंट नहीं किया देन एवरी टाइम स्ट्रिंग ऑलवेज बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट किससे हो जाएगा नल कैरेक्टर्स सपोज दैट अगर इस केस में आपने साइज पॉइंट किया तो समथिंग एग्जैक्टली 4 और एलिमेंट भी कितने इनिशियलाइज किए हैं 4 देन इस केस में कोई भी एक्सटर्नल इंसर्ट नहीं होता एक्सटर्नल कब इंसर्ट होगा अगर आपने पार्शियल इनिशियलाइज में कोई भी साइज सप्लाई नहीं किया या फिर एरे का साइज नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है क्लियर देन फर्स्ट केस में जस्ट एरे क्रिएट हुआ S1 S1 के केस में एलिमेंट्स कितने साइज किया 5 तो स्टैक के टॉप में 5 एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट कराओ इसका नेम क्या है S1 फर्स्ट कैरेक्टर में कैसा हो जाएगा A B C D अगर इस प्रोग्राम का डायग्राम स्टैक के फॉर्म में बनाओ तभी आपके लिए प्रॉपर बिहेवियर समझना पॉसिबल है क्लियर इसलिए मैंने स्टैक डायग्राम मेंशन किया इसके इसमें देन D के जस्ट बाद फिफ्थ प्लेस पर इंप्लिसिट कैरेक्टर इंसर्ट हो गया नल इस केस में एरे का टाइप क्या है मींस एरे इनिशियलाइज कैसे हुआ है बाय यूजिंग स्ट्रिंग बाय यूजिंग कैरेक्टर्स लेकिन इस केस में जस्ट नल इंसर्ट हुआ इसका मेरिजन क्या है क्योंकि आपने एक सिंगल प्लेस एम्प्टी रखा है और एम्प्टी प्लेस पर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट क्या होता है जीरो और वी कैन से नल क्लियर दिस इज द फर्स्ट केस सेम एज S2 S2 के केस में अगेन एरे क्रिएट हुआ लेकिन S2 के केस में एरे का साइज क्या है इस केस में एग्जैक्टली 4 4 के केस में टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 4 बाइट्स 4 बाइट्स के केस में जस्ट स्पेस एलोकेट किसके लिए हुआ S2 और S2 के केस में कोई भी एक्स्ट्रा इंप्लिसिट नल इंसर्ट नहीं हुआ इसलिए इसके केस में कंटेंट्स क्या है ए बी सी डी क्लियर S2 कहीं भी नल से टर्मिनेट हुआ क्या नहीं S2 भी किस नल से टर्मिनेट होगा 144 वाले से क्लियर नेक्स्ट वन S3 S3 के केस में टोटल 4 कैरेक्टर इनिशियलाइज किए लेकिन टोटल साइज क्या हुआ इसका एग्जैक्टली 5 क्योंकि लास्ट प्लेस पर इंसर्ट किया हुआ है नल मींस अगेन ए बी सी डी टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर नेम क्या इसका नेम डैश S3 इस केस में जब स्ट्रिंग का आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे 1 बाय 1 पोर्ट से S1 S2 S3 S1 के केस में S1 का बेस एड्रेस क्या है 110 S2 का बेस एड्रेस क्या है 106 एंड S3 का बेस एड्रेस क्या है 101 तो सबसे पहले पास किया S1 S1 के प्लेस पर सप्लाई होगा S1 का बेस एड्रेस तो 110 से जस्ट कैरेक्टर रीड होना स्टार्ट हम अप टू नल ए बी सी डी डी के बाद फाउंड किया हो रहा नल ने रीड करना स्टॉप कर दिया फर्स्ट केस में डिस्प्ले कर रहा है ए बी सी डी सेकेंड प्रिंट एफ में पास कर रहा है एड्रेस ऑफ S2 S2 का एड्रेस क्या है 106 इस केस में इससे मतलब नहीं कि S2 के लिए स्पेस कितना एलोकेट हुआ है इसे पोर्ट्स फंक्शन गिवन एड्रेस से एलिमेंट्स को रीड करना स्टार्ट करेगा अप टू फर्स्ट ऑक्टेंस ऑफ नल फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो फर्स्ट ऑक्टेंस का फाउंड रहा 114 में तो मीन इस प्लेस से लेकर 114 तक के बीच बिटवीन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे आउटपुट का डिस्प्ले होगा ए बी सी डी ए बी सी डी क्लियर प्लस इस केस में स्पेशली यहाँ रखना एक एक्स्ट्रा वाइट क्रिएट हुआ इन मिडिल ऑफ S3 और S2 स्लैक वाइट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं एरे के केस में डिस्कस कर चुका हूँ इस केस में डायग्राम में मैंने स्लैक वाइट को हाईलाइट नहीं किया है नेक्स्ट वन पुट्स S3 S3 के केस में जस्ट पास किया होगा 101 से डेटा रीड होगा कब तक अप टू फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल जैसे नल लेगा रीड करना स्टॉप करते फाइनली आउटपुट क्या प्रिंट हुआ ए बी सी डी दिस द बिहेवियर ऑफ गिवन प्रोग्राम सेकेंड केस में जस्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इस केस में जस्ट एरे क्रिएट हुआ लेकिन एरे का टाइप क्या है जस्ट
इंटीजर एरे। इसे इंटीजर एरे की केस में अगर साइज की बात करें तो साइज कितना डिक्लेयर हुआ, जस्ट 5, लेकिन एलिमेंट्स कितने इनिशियलाइज हुए, ओनली 2 एलिमेंट्स और 2 इनिशियलाइजेशन। तो इस केस में जस्ट परफॉर्म किया हुआ पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन की केस में जस्ट मैंने आपको बताया था अगर एरे के एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज नहीं किया और एरे का डिक्लेरेशन कैसा है लोकल, इन दैट केस एरे कैसा है लोकल, लोकल के केस में इसका बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है, जस्ट ऑटो स्टोरेज क्लास, और ऑटो के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, ऑलवेज गार्बेज। लेकिन मैंने पार्शियल इनिशियलाइज में स्पेशली आपको नोट डाउन कराया था पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज जीरो। मींस फर्स्ट केस में एरे क्रिएट हुआ ए विद 5 एलिमेंट, फर्स्ट एरे जब ए क्रिएट हुआ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एग्जैक्टली 5। फर्स्ट प्लेस पर क्या सामने हो रहा है 10, सेकंड प्लेस पर 20, मींस इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। देन रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा एज अ 0, ओनली इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइज। लेकिन सेकंड केस में बात करें एरे बी, बी के रिस्पेक्ट में अगेन इसका साइज क्या है ऑल्सो 5, लेकिन बी के लिए कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करा है, प्लस इसका टाइप क्या है ऑटो, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, गार्बेज गार्बेज गार्बेज, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। देन डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 फाउंड क्या हो रहा है वैल्यू एज 0। इस केस में जस्ट आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आउटपुट ऑफ दिस कोड फर्स्ट केस में ए ऑफ 3 के केस में क्या होगा, जस्ट 0, एंड बी ऑफ 3 के केस में क्या होगा, जस्ट गार्बेज वैल्यू, मीन्स अननोन वैल्यूज। नेक्स्ट वन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम, इस केस में जस्ट स्ट्रिंग क्रिएट किया एस और कैरेक्टर, इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने इनिशियलाइज किए 10, साइज क्या हुआ इसका जस्ट 11 बाइट्स। तो इस केस में 11 कैरेक्टर्स के लिए जस्ट मेमोरी स्पेस एलोकेट करा हुए 4 11 कैरेक्टर, और लास्ट प्लेस पर आसान क्या हुआ नल। नेक्स्ट वन रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने इसके अलावा, जस्ट 10 एलिमेंट, फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हुआ कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई और जे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड, सपोज दैट अगर इसे एरे का बेस एड्रेस 100 तो रिमेनिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 101 102 103 4 105 106 7 108 109 and 110। इज द गिवन केस, इसे एरे का नेम क्या है जस्ट एस, क्लियर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल, इस केस में जस्ट बात करें अगेन फर्स्ट केस में पास क्या किया एस, एस मीन्स एरे नेम, और एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100। तो फाइनली परसेंट एस के अकॉर्डिंग प्रिंटएफ फंक्शन 100 लोकेशन से स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करेगा, कब तक, अप टू फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल। नल के लेफ्ट साइड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। देन स्लैश एन के अकॉर्डिंग लाइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट प्रिंटएफ। नेक्स्ट केस में पास क्या हुआ एस प्लस 4, और एस के प्लेस पर क्या आएगा अगेन स्ट्रिंग का बेस एड्रेस 100। फाइनली पास क्या हुआ स्पेस 104, जैसे इस केस में 104 पास हुआ तो इस केस में डेटा के स्पेस रीड होना स्टार्ट हो फ्रॉम 104 ऑनवर्ड्स, और 104 ऑनवर्ड्स क्या फाउंड हो रहा है ई। देन राइट हैंड साइड में डेटा कब तक रीड हुआ, जब तक नल नहीं मिल जाता, तो नेक्स्ट केस में क्या जस्ट ई एफ जी एच आई जे, क्लियर। नेक्स्ट वन इसके जस्ट पास स्लैश एन लाइन चेंज हुआ नेक्स्ट टाइम पास के एस प्लस 8, एस के प्लेस पर क्या है 100, 100 प्लस 8 बिकम्स 108। इस केस में डेटा किस प्लेस रीड हुआ फ्रॉम 108 ऑनवर्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड, मीन्स 108 में क्या फाउंड हो रहा है आई, देन जे, इसके जस्ट बात क्या नल, देन रीड करना स्टॉप कर। दिस इज द आउट ऑफ गिवन एग्जाम्पल।